पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। जब सब सियासी और सब उसका जवाब दिया जाएगा। जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है। आनंद मोहन जी रिलीज हो गए बोले तो देखे ना, पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा ऐसा, इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। हाँ, जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचे और एक सेकेंड थॉट दे इस डिसीजन के बारे में। हाँ, डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू लाइक उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो। भैया कोई कंट्रोवर्सी क्या है? अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिया हो अपने सजा काट। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजा हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है यह सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगा। बिहार सरकार ने कोई कानून में हल्का संशोधन करके उनका रिलीज करने का रास्ता साफ किया तो इसके चलते हम कहेंगे कि दलित विरोधी है, सो बात नहीं है। ये बात हम बार बार मैं कहता हूँ, आनंद मोहन कोई क्रिमिनल आदमी नहीं है।